अभी फिलहाल मैं हूँ जो कि व्यापार मेला के पीछे वाले एरिया जो में झूला लगे है पूरा लाइन से। यहाँ अलग अलग प्रकार के जो कि झूला नज़र आते हैं जो उनमें है अपन ऑक्टोपस झूला और कार वाले झूला है, साथ ही साथ में फ्लाइंग झूला और ड्रैगनो वगैरह बहुत सारे अलग अलग प्रकार के झूला यहाँ पास लगे हैं और काफ़ी मात्रा में जो कि यहाँ पास भीड़ भी नज़र आता है। तो यहाँ रेल गाड़ी वाले भी अलग और साथ ही साथ यहाँ पास काफ़ी सारे मनोरंजन के जो कि साधन यहाँ पास उपलब्ध है। तो साथ ही साथ संगवारी हो यहाँ है जो कि अंडरग्राउंड वाटर फिश एक्वेरियम जो कि अपन मुंगेली व्यापार मेला में सबसे पहला बार आया है। तो यहाँ आप मतलब जो कि एक तरीके से बोला जाए तो मछली अगर देखे भी मिली जो कि अंडरग्राउंड वाटर टनल में बनाए गए हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है अंदर से। तो साथ ही साथ संगवारी हो यहाँ व्यापार मेला में लगे खाए पिए के जो कि बहुत सारे दुकान, तो ए वाले एरिया है रे संगवारी हो जो कि खाए पिए के और यहाँ अलग अलग शहर से अलग अलग राज्य से जो कि अपन खाने पीने के लिए स्टॉल लगे हुए और इमा अलग अलग प्रकार के आप मतलब खाए पिए के जो कि सामान आप मतलब मिल जाए। तो यहाँ के आप मन व्यापार मेला में मज़ा ले सकते हो काफ़ी सुन। साथ ही साथ संगवारी हो आप मतलब यहाँ डेली यूज के भी सामान जो कि कप वगैरह है, बुड्ढा नट्स और बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी जैसे कि खाने पीने के आइटम चॉकलेट्स वगैरह है और अपन अचार वगैरह। साथ ही साथ में स्टेशनरी सामान में बैग वगैरह और जो कि कॉस्मेटिक आइटम चूड़ी कंगन और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो कि सौंदर्य प्रसाधन के चीज भी आप मतलब यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ जो कि लड़कियों के जूते, लड़के के जूते और अलग अलग प्रकार के जो कि जैसे कि कान के बाजिया वगैरह, कंगन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पास आप मतलब व्यापार मेला में उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ आप मतलब लड़का मन पर भी यहाँ पास बेल्ट, चश्मा वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पास आप मतलब मेला में दिखाई देंगी। तो और यहाँ आप अलग अलग प्रकार के कपड़ा भी आप मतलब देखे मिली बहुत ही जो कि रिजनेबल प्राइस में। साथ ही साथ बहुत सारे जो कि बच्चों के कपड़े, मोजा वगैरह भी आप मतलब यहाँ पास देखे मिली। तो यहाँ पास संगवारी हो आप मतलब हर एक प्रकार के अलग अलग दुकान जो कि आप मतलब मिल जाए देखे पर और यहाँ आप मन आके खरीदारी वगैरह कर सकता हूँ। साथ ही साथ संगवारी हो यहाँ जो कि 5-6 दिन तक के अपन जो कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी करे जाते हैं जैसे कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह, वस्त्र परिधान और रंगोली प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता। साथ ही साथ जो कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो कि कार्यक्रम के आयोजन करे जाते और यहाँ पास जैसे कि रंगमंच, रंग गायन और अलग अलग प्रकार के जो कि कार्यक्रम की व्यवस्था डेली दिखती है। बताया कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बेटियों के साथ अपने बेटों को भी एक अच्छी शिक्षा दें। मेला की लोकप्रियता को और चार चांद लगाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है ऐसे मुंगेली के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सुरेश लोरमी, बबो तिवारी, NP28 ब्लॉग, कोमल देवांगन, द वैभव ब्लॉग और मुंगेली फूड गेली के चारों ओर जो होने वाली यहाँ की गतिविधियां हैं उसको मुंगेली के बाहर ले जाने में इनका विशेष योगदान रहा है। एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ इन नन्हे नन्हे छोटे मोटे बालकों के लिए, हम सबको